हेलो सर, तो कैसे हैं आप? एशिया कप से जुड़ी निकल के आई बड़ी खबर, ये खबर एशिया कप के फ्यूचर से जुड़ी निकल के आ रही है। एशिया कप सितंबर में खेलना है, 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच एशिया कप खेलना है। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एशिया कप रिलेटेड खबर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच अभी तक भी फाइनल कन्फर्मेशन नहीं हो रही है कि एशिया कप कहाँ पर खेला जाएगा। लेकिन आईपीएल फाइनल के दौरान बीसीसीआई की श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से हुई, तो वहाँ पर बीसीसीआई के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड में जो होस्ट टीम होती है वो सभी मुकाबले अपने देश में करवाती है, लेकिन जो देश उस देश में नहीं जाना चाहता है उस देश को किसी और कंट्री में सारे मुकाबले होते हैं, तो उसी को हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी न्यूट्रल वेन्यू पे क्या बात होती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले दिन में जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी तब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि एशिया कप कहाँ पर खेला जाएगा। क्या हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, ये आने वाला